कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी। अगर आधार कार्ड है तो मिलेंगी चार बड़ी योजनाएं। कौन सी वो चार बड़ी योजनाएं और किस किस को मिलेगा लाभ, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें आप हमारी वीडियो किस प्रदेश के जिले देख रहे हैं, ताकि हम आपके प्रदेश में आपके जिले में चल रही एक से एक बड़ी सरकारी योजना के बारे में आपको नई नई अपडेट देते रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे कि मोदी सरकार आखिर कौन सी वो चार बड़ी योजना है जिनका लाभ केवल आधार कार्ड धारकों को ही मिलेगा। तो बात करना चाहूंगा सबसे पहली और बड़ी योजना को लेकर। सबसे पहली और बड़ी योजना है फ्री राशन योजना। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको जुलाई तक फ्री राशन मिलेगा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि जहां राशन मार्च तक देना था वहीं पर इसकी तारीख बढ़ाकर अब जुलाई तक कर दी है। जुलाई 2022 तक सभी को फ्री में राशन दिया जाएगा, साथ ही साथ रिफाइंड चना चीनी वगैरह भी मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आधार कार्ड है तो आप फ्री राशन ले सकते हैं, जिसको जुलाई तक बढ़ाकर कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। वही बात करेंगे दूसरी और बड़ी योजना को लेकर। तो दूसरी और बड़ी योजना है विकलांगों के लिए। अगर विकलांगों के पास विकलांग प्रमाण पत्र है तो उनको फ्री में मोदी सरकार ई रिक्शा वितरण कर रही है। इस ई रिक्शा वितरण योजना के तहत सभी विकलांगों को फ्री में ई रिक्शा मुहैया कराया जाएगा और साथ ही साथ उनके रोजगार के हिसाब से उनको काम भी मुहैया कराया जाएगा। अगर विकलांग पढ़े के हैं तो उनको रोजगार भी दिया जाएगा। और दोस्तों, वहीं बात करेंगे तीसरी और बड़ी योजना को लेकर। अगर आपके घर में अभी तक शौचालय नहीं है तो मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत सभी के पास खुद का शौचालय होगा। इसके लिए आपके पास खुद का एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपके खाते में 12,000 रुपए आएंगे। आपको करना क्या होगा, आपको अपने नजदीकी ग्राम प्रधान या फिर सीएससी केंद्र पर जाना होगा, जहां जाकर आपको अपना स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद अकाउंट नंबर लगाना होगा, साथ ही साथ आपको आधार कार्ड भी लगाना होगा, जिसके बाद आपके खाते में 12,000 रुपए आ जाएंगे। इसके लिए भविष्य में अगर कभी भी आपने शौचालय योजना का लाभ ले लिया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं बात करेंगे चौथी और बड़ी योजना को लेकर। तो चौथी और बड़ी योजना है केवल महिलाओं के लिए। जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड है और जो असंगठित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन सभी महिलाओं को मोदी सरकार फ्री में सिलाई मशीन देने जा रही है। आपने सही सुना, सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खुद का रोजगार स्टार्ट करने के लिए मोदी सरकार उन्हें सिलाई मशीन मुहैया कराएगी, जिसके साथ वे अपना खुद का रोजगार कर सके और छोटा मोटा अपना रोजगार खड़ा कर सके। और दोस्तों, सभी महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन योजना का लाभ मिलेगा और इसका लाभ आपको मई से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका अभी प्रोसेस चल रही है। जल्द से जल्द सभी महिलाओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर फ्री सिलाई मशीन वितरण कराएगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये चार बड़ी योजनाओं के बारे में, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपको इन योजनाओं का अभी तक लाभ मिला या नहीं मिला, या फिर लेना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।